जुबैर साहब केवल 61 साल की उम्र ही थी, लेकिन स्वास्थ्य का ठीक नहीं होने की वजह से उनका लीवर ट्रांसप्लांट हुआ था और वो बच नहीं पाए, उनका इंतकाल हो गया। कल मैं खुद गया था। अब 7 उपचुनाव लगता है कि 7 तो होंगे ही, अभी महाराष्ट्र के 7 में हम उम्मीद करते हैं। ये सरकार कब तक टालेगी? ये पंचायत राज और नगर निकाय के चुनाव को भी टालना चाहती है, वन स्टेट वन इलेक्शन की बात करके, लेकिन ये प्रशासक लगा करके ब्यूरोक्रेसी से सरकार चलाना चाहते हैं, संवैधानिक संस्थाओं के ऊपर कब्जा ब्यूरोक्रेसी के माध्यम से करना चाहते हैं। मैं समझता हूँ ये बड़ा खतरनाक है और ये जनता इसको बर्दाश्त नहीं कर रही। वादा खिलाफी हो रही है, किसान परेशान है, नौजवान परेशान है, महिलाएं परेशान है, अपराधी बेखौफ घूम रहे हैं, नाबालिग बेटियों के साथ में बलात्कार हो रहे हैं, माफिया हावी है, चाहे वो लैंड माफिया हो, चाहे वो खनन माफिया हो, चाहे वो बजरी माफिया हो। मुख्यमंत्री जी संवैधानिक और कोर्ट की जो आज्ञा है उसके विपरीत दौरे कर रहे हैं। यहाँ पर अतिवृष्टि से किसान की फसल बर्बाद हो गई है, उसको कोई पूछने वाला नहीं है। मंत्री चाहे जैसे बयान दे रहे हैं, मंत्री इस्तीफा जेब में लिए दो दो ढाई ढाई महीने से घूम रहे हैं, जनता की कोई सुध लेने वाला नहीं है, ब्यूरोक्रेसी हावी है। मैं समझता हूँ कि ऐसा राज 70 साल में नहीं देखा कि वो अपने आप अपनी मर्जी से चल रहा है, जिसको जो मर्जी है जो कर रहा है, चाहे वो मंत्री है, विधायक है, ब्यूरोक्रेट्स है, चाहे वो माफिया है। कोई कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज नहीं है। किसी 9 महीने में एक भी जनहित की कोई योजना इस सरकार की नहीं है। केवल और केवल भ्रमण, मुख्यमंत्री जी का भ्रमण, भाषण और भ्रमित, ये 3 एजेंडे पे काम कर रही है ये सरकार। मैं समझता हूँ कि 8-2.5 महीने से किरोड़ी लाल जी मीणा का फैसला नहीं कर पाए, मुख्यमंत्री 2 बार प्रधानमंत्री से मिलके आ गए, अमित शाह जी से मिलके आ गए, नड्डा जी से मिलके आ गए, किरोड़ी लाल जी मिलके आ गए, और वो आपदा राहत मंत्री और कृषि मंत्री हैं। आज की तारीख में उनको खुद को पता नहीं मैं क्या हूँ, सरकार को पता नहीं, जनता को पता नहीं, तो काम करेगा कौन मेरे ये समझ से पड़े। लॉटरी का पता नहीं, वोटर लिस्ट का पता नहीं, राज्य निर्वाचन आयोग भी जो है वो भी सरकार के इशारे पे पंगू बना बैठा है, तो फिर काम करेगा कौन? ये संवैधानिक संस्था है, इनको तो काम करना चाहिए। मेरी बात हुई थी मधुकर गुप्ता जी, वो कह रहे राज्य सरकार जब लिख के देती है तब हम तो चुनाव कराते हैं, हम अपने आप कहां से कराएं? तो राज्य सरकार क्यों नहीं लिख के दे रही है? क्यों स्थिति मुख्यमंत्री जी स्पष्ट नहीं कर रहे हैं कि आप वन स्टेट वन इलेक्शन का किस प्रकार से धरातल पे उतारेंगे, कैसे ये चुनाव करा पाएंगे? नगर पालिकाओं के कभी है, नगर परिषदों के कभी है, 1-2 साल का अंतराल है, तो क्या वो पहले संविधान में कानून में उनको भंग करने का प्रावधान भी नहीं है, उनको आगे ले जाने का प्रावधान भी नहीं है? जब कोरोना काल में हमारी सरकार ने किया था तो सुप्रीम कोर्ट से अनुमति लेकर के आए थे, ये तो न तो कोई सुप्रीम कोर्ट गए न कोई और गए, जवानी तीर चला रहे हैं। कभी मुख्यमंत्री कुछ बोल जाता है, कभी मंत्री कुछ बोल जाता है, कभी विधायक कुछ बोल जाता है।